हेलो गाइस, आपका स्वागत है मिस्टर विंड में। तो गाइस आज मैं लेकर आया हूँ एक बेट, जो गाइस इस बेट को क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट लगाएंगे, क्योंकि गाइस हम क्या है कि ड्रॉ करते हैं ना, तो गाइस उस टाइम में क्या करता है, नीचे पत्थर है या मिट्टी है, धूल है, उसमें क्या है ये लग जाता है ना, तो यहाँ से क्रैक हो जाता है। तो बहुत बार हमारे साथ हुआ है, तो हमने सोचा कि इसके लिए कुछ ग्रिप बनाए ताकि हमारा बेट एकदम मजबूत हो और कभी भी ना टूटे। तो गाइस उसके लिए हमें क्या है, यहाँ पे कुछ आइटम है उसकी जरूरत पड़ेगी और उसको मिक्स करूंगा और आपको दिखाऊंगा, और बने रहे वीडियो में। और हमारे चैनल पर नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे एरो लाइट की। तो गाइस ये एरो लाइट है जो अच्छी वाली है क्वालिटी की, और गाइस ये आपको आसानी से 130 रुपया 120 तक मिल जाएगी। और गाइस हमें एरो लाइट वो लेनी है जो दोनों मिक्स करते हैं, दो ट्यूब आती है एक के अंदर, वही लेनी है। और उसके बाद गाइस यहाँ पे हमें एक टेप की जरूरत पड़ेगी, या घर पे भी मिल सकती है और आप हार्डवेयर की दुकान में आसानी से मिल सकती है। और यहाँ पे मुझे लकड़ी का बुरादा ये मैंने फैक्ट्री से किसी से लेकर है और आपको भी आसानी से मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए रट पीस है गाइस, ये रट पीस हमें आसानी से हमारे घर में भी मिल जाएगा और हम इसको आराम से इसको कट करके इसको लगा देंगे। तो गाइस यहाँ पे हमें ये जो रट पीस मैंने लिया है यहाँ पे गाइस ये लगाना है, हमें टेप की मदद से इसको लगा लेना है। लेकिन गाइस यहाँ पे हमें 1 इंच तक ही रखना है गाइस, यहाँ पे देखिए 1 इंच ओनली, बस इतना ही रखना है। और उसके बाद हमें इस टेप से मदद से इसको यहाँ पे चिपका देना है। और गाइस ये चारों तरफ हमें इसी तरह से चारों तरफ इसको बेड के ऊपर लगाना है। तो गाइस यहाँ पे देखिए हमने ये रट बेस चारों तरफ लगा लिया है, यहाँ पे देखिए इतनी सी जगह छोड़ी है। और हम अभी क्या करेंगे गाइस, इसके चारों तरफ अच्छी तरह से पूरी टेप लगा देंगे ताकि हमारे अंदर इसके बेड के अंदर ना ग्लू जाए। इसके लिए गाइस तो पूरी मैं इसको टेप लगा लेता हूँ चारों तरफ अच्छी तरह से, इस तरह से पूरा पेपर के ऊपर मैं लगा लेता हूं। इस तरह से गाइस ये पूरा मैंने टेप लगा दिया। तो गाइस एरो यहां पे एरो लाइट हम दोनों मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। तो गाइस पूरा इसका दोनों का ट्यूब का मैं बाहर निकाल लेता हूं लिक्विड दबा के। इस तरह से, और अभी एक और ट्यूब है उसका भी हम निकाल लेते हैं लिक्विड पूरा बाहर, दोनों को मिक्स कर लेते हैं। तो गाइस दोनों ये दोनों निकाली, और अब अच्छी तरह से इन दोनों को हम मिक्स कर लेंगे, इसको एकदम अच्छी तरह से पूरा मिक्स कर लेना है। और गाइस अभी हमें पाउडर डालना है, यहां पे देखिए ये लकड़ी का बुरादा है और इतना सा हमें इसके अंदर डाल देना है। और अब इस दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है बढ़िया एकदम। एरो लाइट और लकड़ी का बुरादा जो पाउडर है वो दोनों मिक्स हो गया। अच्छा यहाँ पे एकदम बढ़िया लिक्विड बन गई है। अब इस लिक्विड को हम क्या करेंगे कि बेड के ऊपर लगाएंगे। इस तरह से हमने इसके ऊपर पूरा एरो लाइट डाल दिया है दोनों मिक्स करके, और एकदम बढ़िया अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया और इसके ऊपर हमने इस डाल दिया पूरा। ठीक है गाइस, और गाइस यहाँ पे देखिए हमने इसके ऊपर जो डाला ना, तो गाइस यहाँ पे देखिए हम पहले जो डाले थे तो जल्दी नहीं किए थे, तो हमारा यहाँ पे एक खराब हो चुका ऑलरेडी, उसके बाद हमने दूसरा बनाया था और फिर इसके ऊपर डाला है। तो गाइस आप बहुत ही जल्दी जैसे ही मिक्स करते हो फटाफट इसके ऊपर डाल देना है, नहीं तो आपका भी वेस्ट हो सकता है। तो गाइस नहीं था गाइस कि ऐसा होता है, तो गाइस एकदम गट हो गया था और ये खराब हो गया। तो गाइस यहाँ पे देखने हमने एरो लाइट इसके ऊपर पूरा भर दिया है और एकदम बढ़िया प्लेन से कर दिया है। तो गाइस इसे हमें 4 घंटे के लिए इसको रखना पड़ेगा, और फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा बना हमारा बेड। एकदम मजबूत हो गया है गम। और गाइस अभी इसको निकालेंगे साइड का पेपर, इस पेपर को निकालते हैं और एरो लाइट को चेक करते हैं कि भाई कहाँ कहाँ घुसी है। इस तरह से इसको निकाल लेते हैं पूरा और फिर चेक करते हैं अपना एरो लाइट को।
यहाँ पे चिप गई है, फुल यहाँ पे नीचे आ गई है, इसलिए फुल गट्ट हो गई है यहाँ पे। तो हम पहले इसको यहाँ से निकाल, तो गाइज यहाँ पे देखिए हमारा बेट एकदम रेडी हो चुका है। यहाँ पे देखिए हमने अच्छी तरह से इसको साइड से फाइल भी कर दिया है। यहाँ पे देखिए एकदम चारों तरफ से देखिए गाइज किस तरह से हमने अच्छी तरह से इसको फाइल करके रेडी कर दिया है और इतना गट हो गया गाइज। आप कैसा भी आप इस बेट को जोर से नीचे मार सकते हो, चाहे पत्थर से लगो चाहे दूर में किधर भी लगेगा ना, तो गाइज यहाँ से आपका बेट फटेगा नहीं। इस तरह से हमने इसको ग्लू लगा लिए यहाँ पे। और गाइस किस तरह से आप बेट रेडी कर सकते हो, और गाइस ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। जय हिंद जय भारत गाइस।